Hello, Nimmi. Hi. This is a very, very beautiful place. I know, yaar. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है actually. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरुषि'स वर्ल्ड. और आज यहाँ पे एक नहीं दो आरुषि है, क्योंकि मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, हाई स्कूल में हम दोनों साथ में थे, आरुषि गांगुली है. ये मेरे से मिलने हैं, यूएस अभी आई है, इसकी दीदी यहाँ पे रहती है. तो ये मेरे साथ राली में 6 डेज स्पेंड कर रही है और हम बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं. जो हमने कभी सोचा वो सारी चीजें हो रही है. सच लाइक रियली लॉट ऑफ फन. हम लोग अभी एक्चुअली राली से बून में माउंटेन्स है, ग्रैंडफादर माउंटेन, वहाँ का रोड ट्रिप लेने जा रहे हैं. हमारा फ्रेंड ऐसे गाड़ी घुमा रहा है कि हमें छोड़ के जा रहा है, ऐसे करके हम अभी गैस स्टेशन पे है, पेट्रोल भरवाएंगे गैस, और फिर हम लोग माउंटेन घूमने जा रहे हैं आज. आज तू भरेगी ना? वेरी गुड. यहाँ पे यार वही चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, खुद भरना पड़ता है पेट्रोल, तो वो फिगर आउट करना अपने आप में काम रहता है. निम्मी आज भी मुंह पे गिराएगी. पिछली बार आरुषि ने एक्चुअली जब अभी ये भर रही थी लास्ट टाइम गैस, तो गैसोलीन इसने एक्चुअली मैं वहां से ऐसा फाउंटेन की तरह निकाल के अपने मुंह पे गिराया था. तो आज देखेंगे क्या होगा. यहाँ पे एक्चुअली कहीं भी गैस स्टेशन में एम्प्लॉयज नहीं होते, तो आपको खुद ही करना पड़ता है. सबसे ऐसा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ऑब्वियसली भोपाल से हूँ, ये भी भोपाल से है, क्योंकि मैंने बताया मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है और अभी जो भी भोपाल से है. तो हम लोग अभी तीनों लोग यही बोल रहे थे कि ऐसे तीन भोपाली हम लोग ऐसे साथ में यूएस में घूम रहे हैं, और यहाँ भोपाल के लोग यूजुअली ऐसे इतने ज्यादा मिलते नहीं है आसपास. तो आज मतलब हम लोग भोपाल के किस्से कहानियां याद कर रहे हैं, सारी जगहों की बात बात कर रहे हैं. तुम गिर गई? नहीं. अच्छा, वही लगा कैमरा तो ऑन था, गिरते हुए तो दिख ही नहीं. माउंटेन रेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं दूर से, काफी एक्साइटेड है. वाह यार, बहुत अच्छा दिख रहा है. आ दिया पीछे आरुषि ने, पर अब जो मैगी खा रहा है. आज हम लोगों ने सुबह सुबह मैगी बना ली थी, और अपन ने बहुत टाइम से मैगी खाई नहीं ना. कैसी है? बहुत टेस्टी. वेरी गुड. भूख में इंसान जहर को भी अच्छा. गरीबी में पागल. तो बून नॉर्थ कैरोलिना में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पहुँचते से ही सबसे पहले खाना खाने चले गए. पीछे का व्यू बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है, और हम लोग मिंट करके इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे बून में, एक ही रेस्टोरेंट है. तो ये अभी जो एक्चुअली यहाँ पहले आ चुका है, ये वही बताता है, यहाँ पे इन्होंने चाय पी थी. मेरा लैंड पार्सल भी है. लैंड पार्सल. तो यहाँ पे हम लोग अब बस इंडियन खाना खाएंगे लंच, और उसके बाद माउंटेन्स घूमने जाएंगे. क्या बोल रहे थे अभी? मैं कह रहा था आलू टिक्की चाट, चाट पापड़ी चाट, चिली पनीर, चिली चिकन, तंदूरी मीट प्लेटर, पनीर टिक्का, गोभी मंचूरियन, वेजिटेरियन असॉर्टेड प्लेटर. ये सब को नहीं दे भैया, दो चाय ले आओ. बताओ ना क्या खाओगे यार? हम लोग एक्चुअली मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ है, समोसा, पकौड़ा. अरे पकौड़े यार, पर हम लोग जहाँ तक है तंदूरी चिकन टिक्का ऑर्डर नहीं करेंगे. तो हमने कढ़ाई चिकन और चिकन 65 ही ऑर्डर किया. हम लोगों का खाना हो गया, और रसमलाई ऑर्डर करी थी तो उन्होंने हमें एक पीस एक्स्ट्रा दे दिया. दो पीसेस ही आ रहे थे, उन्होंने तीन दे दिया. तो ये रसमलाई बहुत ज्यादा टेस्टी है. और आरुषि जी, आप इंडिया से आई हैं, तो यहाँ पे यूएस में सबसे ज्यादा डिफरेंस ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में क्या लगता है इंडिया और यूएस के कंपेरिजन में? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंगाली यहाँ पे आएगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लोग हर करी के साथ राइस सर्व करते हैं, और हर बंगाली को, और मैं भी बंगाली हूँ, तो हर बंगाली को मुझे लगता है कि राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इनको बोलते हैं कि हमको खाना पैक करना है, तो ये लोग हमको खुद बॉक्सेस देते हैं जिसमें हम खुद पैक कर सकते हैं. तो ये दो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी. आई थिंक हाँ यार, ये तो मुझे भी बहुत डिफरेंस लगा. मतलब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले ऐसा बोलती थी कि यार खाना पैक करवा लेते हैं, पर यहाँ एक्चुअली करवाना नहीं होता, हमको खुद पैक करना होता है, वो लाके डब्बे देंगे आपको. और अब बहुत आलस आ रहा है क्योंकि इतना खा लिया है, बट अब फाइनली माउंटेन रेंजेस में ऊपर की साइड जाएंगे. तो ग्रैंडफादर माउंटेन काफी पॉपुलर है. अभी भी आई फील जो यहाँ पे क्लाउड्स का ऐसा व्यू दिख रहा है, बहुत थिक डेंस क्लाउड्स दिख रहे हैं स्काई में. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार, क्योंकि आरुषि और मैं आई डोंट नो लास्ट कब घूमे थे, मुझे याद भी नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को बहुत अच्छा टाइम बहुत सालों के बाद मिल रहा है. तो ग्रैंडफादर माउंटेन के रास्ते में हमें बहुत प्यारा सा लेक मिल गया, जहाँ हम लोग फोटोज़ खींच रहे हैं. और मेरा काम वैसे यहाँ पे सड़क पे देखना है कि पीछे से कार तो नहीं आ रही, पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इंस्टेड कि कैमरा में दिख जाएगा.
लेक के रास्ते से फिर हम लोग ऐसे ट्रेल पे पहुंच गए हैं, जंगल ही जंगल है पूरा। यहाँ हम आगे बढ़े जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या मिलेगा। तो आई नो कि वो वहाँ वीडियो का मैं दिख नहीं रहा होगा पीछे का, बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखी है कि आई नो मुझे पता था कि यहाँ पे सब लोग अपने पेट्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो लाइक डॉगीज़ को नियर ह्यूमन ट्रीटमेंट ही मिलता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा अच्छा इनफैक्ट। तो जैसे वहाँ पे लोग उससे बाहर वहाँ कायाक में है, बोट वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं। यहाँ पे भी जैसे अभी कितने 8-9 लोग दिखे, हर कोई अपने डॉगी को अपने साथ लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है कि हर कोई अपने पेट्स को लाइक घूमने के लिए जाए, कहीं भी जाए, साथ में लेके आते हैं। तो जितनी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं वो हर चीज़ में डॉग्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा सा नया सा लगता है। हम लोग एक और जगह पर रुक गए व्यू पॉइंट देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट व्यू दिख रहा है इस जगह का। तो ये पीछे का व्यू इतना सररियल लग रहा है, और अभी दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, तो इतना सन्नाटा फील हो रहा है। ये पीछे एक्चुअली ब्लू रिज माउंटेन रेंजेस हैं, तो ग्रैंडफादर माउंटेन भी जो है वो उसी ब्लू रिज माउंटेन का पार्ट है। तो ब्लू रिज माउंटेन एक्चुअली US के अलग अलग सिटीज से देख सकते हैं इसका व्यू, तो काफ़ी पॉपुलर है। और आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बस पीछे माउंटेन रेंजेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे ज़्यादा प्यारे माउंटेन्स कभी नहीं देखे हैं। तो हम जहाँ से फ़ोटोज़ ले रहे थे वहाँ से रफली और 25 मिनट्स का ड्राइव था, तो हम कम से कम 40 मिनट्स तक फ़ोटोज़ लेते रहे और फिर ग्रैंडफादर माउंटेन पहुँचे। तो हम लोग को यहाँ के एंट्रेंस टिकट के बारे में नहीं पता था। एक तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि मेरे ब्लू कलर में फ़ोटो सबमर्ज हो रहे थे, तो मैं ऐसा लग रहा था आसमान में ही मिक्स्ड हूँ, ब्लू पहना था इसलिए, तो मैंने उसे चेंज करके ब्लैक पहन लिया। और ये हम लोग को यहाँ पे नहीं पता था कि यहाँ पे $24 पर पर्सन का एंट्री टिकट है। तो उसके साथ में उन्होंने हमें वेलकम ऑडियो गाइड दिया, तो इसमें एक पेन ड्राइव दी, ये मैंने पहली बार देखा है। मतलब मैंने कितने सारे कंट्रीज घूमे हैं, कहीं पे भी मैंने ये फीचर पहले नहीं देखा कि उन्होंने हमें एक पेन ड्राइव दी है। तो वो हमने डाला, लाइक प्ले किया कार में, तो वो बेसिकली ऑडियो है। तो आप जितने भी लोकेशंस को पास कर रहे हो, इसमें टोटल 15 लोकेशंस लिस्टेड हैं, तो वो हर 15 के बारे में आपको इन्फो दे रहा है। और अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, बट वो बताएगा कि ग्रैंडफादर माउंटेन का नाम वगैरह कैसे पड़ा क्या है। तो आई थॉट दैट वाज लाइक रियली कूल। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा व्यू है यहाँ पे, और वो ब्लू रिज नाम भी इसीलिए पूरा ब्लू दिख रहा है। स्टार्ट ट्रैक 9 एज यू आर पासिंग बाय। सो ऑडियो गाइड कार में प्ले हो रहा था, तो हम जहाँ जहाँ जा रहे थे नीचे के एंट्री पॉइंट से ऊपर पार्किंग के पीक तक, तो वो हमें पूरा बता रहा था कि हम क्या देख रहे हैं। फिर वहाँ से स्टेयर्स क्लाइंब करके ब्रिज तक आए जहाँ से स्टार्ट करना था हाइक करना। चढ़ने के पहले हमने पीछे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, वहाँ इतना प्यारा सा लेक दिख रहा था, तो उधर बहुत सारे फोटोज ले लिए। अब फाइनली ब्रिज को क्रॉस करेंगे। सो ये इसका हाइट और एल्टीट्यूड है। बादल और वो व्यू के बाद आई डोंट नो, यहाँ पे उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे शूज नहीं निम्मी जैसे तुम्हारे पहने हुए, तुम गिरना मत। अरे हाँ यार, तू आराम से बहुत ध्यान से चल ब्रो। तो हम लोग वो पूरा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्रॉस करके आप एकदम टॉप व्यू पॉइंट पे आए हैं, और ये तो 5,500 फीट के आसपास पे होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट व्यू है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं और ग्रीनरी दिख रही है, एंड वो ब्लू कलर का टेक्सचर ऐसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग जिस हाइट पे हैं, क्लाउड्स हमारे बिल्कुल सामने एक्चुअली वैसे घूमते हुए दिख रहे हैं, और ये व्यू इतना ज़्यादा सररियल लग रहा है। आई थिंक मैंने दो ही बार ऐसा, एक बार गैंगटॉक में देखा और एक बार स्विट्जरलैंड में, तो ये व्यू देखना बहुत ही सररियल लग रहा है। और निम्मी और मुझे भी एक और चीज़ याद आई, वैसे इसका निकनेम निम्मी है वो तो, बट यू गाइस मस्ट हैव फिगर्ड बाय नाउ, तो वैसे अर्शी नहीं निम्मी बोलती हूँ। बट हम दोनों ने इसके पहले लास्ट ट्रिप एक्चुअली मैं 2015 में लिया था ना, 2015 में हम लोग लोनावला और एडलैब्स एंड मैजिका गए थे 12th स्टैंडर्ड की ट्रिप पे। तो दैट वाज द ओनली टाइम जब हम एक्चुअली ट्रैवल कर पाए साथ में, और उसके बाद से भोपाल में मिलते रहते थे, बट भोपाल से इंदौर भी जाना हमारा कभी हो नहीं पाया था। तो 2015 से अभी 2022, तो लाइक 7 ईयर्स के बाद हम दोनों को यहाँ US में मौका मिल रहा है। भोपाल, हम इंडिया में कभी ट्रिप नहीं कर पाए, सीधा यहाँ US में चांस मिल रहा है कि साथ में घूम पाए, और वो भी इतनी अच्छी जगह। हाँ, इट्स लाइक यू आर इन हेवन, इट्स अ वेरी ये वैसा वाला सन लग रहा है कि एक्चुअली पेंटिंग में ड्रॉ किया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज सही में। अब हम लोग ऑलमोस्ट हेड आउट करने वाले हैं, 7 PM हो गया है और अभी भी इतना सारा उजाला है। और आरुषि जी, आपको मज़ा आया? बहुत, बहुत।
फिजिक्स केमिस्ट्री सनसेट होने वाला है और पार्किंग लॉट पूरा देखे खाली हो चुका है। हम लोग 7 बजे बंद होना है और हम एकदम 6:50 पे आ रहे हैं और ये पूरा भरा हुआ था और अब पूरा का पूरा खाली हो गया है। हम लोग अब बस यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और हमेशा की तरह मैंने फ्रिज मैग्नेट खरीद लिया, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो ले लेती हूँ। और ये रास्ते के ज़िगज़ैग टर्न्स पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग सुबह जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए। इन लोगों को चाय पीनी है दोनों को, मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो हम लोग जो इंडियन रेस्टोरेंट मिंट में सुबह आए हुए थे वहीं वापस अभी चाय वाय पी के ये लोग चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग वापस घर जाएंगे राली। और इनको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है एक्चुअली। मैं माउंटेन्स में ऊपर काफ़ी ठंड थी, 20 डिग्री समथिंग टेम्परेचर यहाँ भी नीचे है, तो ऊपर नेट नहीं चल रहा था तो चेक नहीं कर पाया, बट मे बी 14-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और बहुत ठंडी हवा चल रही थी वहाँ। हमें लग रहा था कि सनसेट हो गया, हम इतनी हाइट पे थे, यहाँ पे अच्छी खासी धूप है अभी भी। ये बाहर बैठने में तो और अच्छा लग रहा है, बट मैं पिछले 10-15 मिनट से बोर हो रही हूँ। ये लोग के चाय के कप रखे हुए हैं, इन लोगों ने चाय वाय पीना कुछ शुरू नहीं किया है और अब जो घर के स्नैक्स लाया है वो खा रहा है। ये चक्की है ना, चकली बोलते हैं, चक्की नहीं चकली। और मैं चाय नहीं पीती तो मैं बोर हो रही हूँ। तो हम लोग को वापस दिन बहुत मजा आया और आज तो निम्मी के वापस जाने का दिन आ गया है, तो हम लोग बस उसे बाय बोल रहे हैं। और तुमको मजा आया राली में? बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। चल रोज अच्छे से अपना ध्यान रखना और मुझे सही में सबसे ज्यादा मजा आया कि मेरे साथ आके इतने दिन स्पेंड किए और बैकग्राउंड में अंजलि।